हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मीरा आर्ट में। आज मैं गेट पर्दा तोरण का डिज़ाइन लाई हूँ। ये बहुत ही इजी है और ये बहुत ही जल्द बन भी जाता है। इसे मैं टू प्लाई की ऊन से बनाई हूँ, तो देखिए मैं इसे स्टेप बाय स्टेप बुनकर दिखा रही हूँ। तो देखिए, पहले मैं एक गांठ लगा ले रही हूँ, इसके बाद मैं चेन बना रही हूँ। यहाँ पर मैं 10 चेन तोरण पट्टी के लिए बना रही हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 2 चेन एक्स्ट्रा मैं बना ले रही हूँ डबल क्रोशिया के लिए। अब मैं देखिए सारे चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ। सभी चेन में मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। देखिए मैं सभी चेन में बना ली डबल क्रोशिया। अब मैं फिर दूसरे लाइन में बुनकर दिखा रही हूँ। 2 चेन पहले मैं बनाई डबल क्रोशिया के लिए, उसके बाद यहाँ पे मैं 5 डबल क्रोशिया बनाकर और बीच में मैं डिजाइन बनाऊंगी गेट पर्दा का, पम पम बनाऊंगी। देखिए बीच में यहाँ से मैं डिजाइन को बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं धागे को 8 बार ले रही हूँ। आप इसे कम या अधिक ले सकती हैं धागे को। और पम पम बना, देखिए बीच में मैं एक चेन ले रही हूँ और फिर से मैं पम पम बना रही हूँ। देखिए बन गया 2 पम पम डिजाइन बीच का बन गया। अब मैं फिर से डबल क्रोशिया 5 यहाँ पे बना रही हूँ लास्ट में। इसी तरह से आगे बुनकर दिखा रही हूँ मैं। देखिए फिर से मैं 2 चेन बना ले रही हूँ, फिर मैं डबल क्रोशिया यहाँ पे 5 बनाऊँगी। 1, 2, 2, 3, 4 देखिए। और फिर से मैं बीच में डिजाइन को बना रही हूँ 8 बार धागे को लेकर। और बीच में एक चेन दे रही हूँ। और डबल क्रोशिया एक चेन फिर से मैं बनाकर और सभी में डबल क्रोशिया मैं देखिए बुन रही हूँ यहाँ पे। देखिए 2 बन गया। देखिए मैं यहाँ पे 4 बनाकर दिखा रही हूँ। इसी तरह से मैं पूरे तोरण पट्टी को देखिए तैयार कर ली हूँ बुन कर। जितना दरवाजे के साइज होगा उतने साइज का देखिए मैं इतना यहाँ पे बुन ली हूँ। देखिए 5-5 का मैं बनाई हूँ डिजाइन, तो 4 बार इस डिजाइन को मैं बनाई हूँ, तो इधर भी मैं 4 बार इधर डिजाइन को मैं बना रही हूँ। तो देखिए मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ पे धागे को मैं जोड़ रही हूँ। यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊँगी। देखिए बना ली। अब मैं यहाँ पे 6 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 6 बार। तो एक बार बन गया, 2, 3, 4, 5, 6 देखिए 6 बार मैं बना ली। और फिर देखिए
तोरण के इस डबल क्रोशिया को एक छोड़कर और दूसरे डबल क्रोशिया में देखिए मैं फिर 6 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ, एक छोड़कर देखिए बीच में एक छोड़ दी हूँ। और इसी तरह से मैं यहाँ पे 5 बनाऊँगी 6 चेन। तो देखिए मैं बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए 2 बन गया, 5 मैं यहाँ पर भी बना ले रही हूँ। देखिए बन गया 5 6 बार, तो 6 डबल क्रोशिया 6 सभी में मैं बनाई हूँ 5 बार। अब यहाँ पे मैं 10 चेन बना रही हूँ और 10 चेन बनाकर और यहाँ पे मैं देखिए तुरन पट्टी के 4 डबल क्रोशिया की छोड़कर 1 2 3 4 और पांचवे में मैं फिर से 6 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। पांचवे से फिर मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया 6 बार बना रही हूँ। देखिए 4 डबल क्रोशिया छोड़ी हूँ बीच में गैप, फिर से मैं यहाँ पे एक छोड़कर और दूसरे वाले में मैं फिर से 6 बार 6 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। 2 बार बन गया, 3 4 5 6 देखिए बन गया। इसी तरह से मैं यहाँ पे एक फिर छोड़कर और फिर से मैं बना रही हूँ। देखिए 3 बन गया। इसी तरह से मैं 5 बना ले रही हूँ। देखिए पूरे तुरंत पट्टी में मैं इस तरह से बना ली हूँ और लास्ट में देखिए 5 बनाई हूँ। अब पीछे की तरफ से बुनकर मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं पहले 3 चेन यहाँ पे बनाऊँगी, 1 2 3 और एक घटाकर मैं देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दे रही हूँ देखिए किस तरह से। और फिर मैं 3 चेन बनाऊँगी और एक देखिए 6 बार डबल क्रोशिया बनाई थी और एक छोड़कर और दोनों तरफ से एक एक मैं घटाते जाऊँगी हर बार। तो देखिए एक छोड़ दी हूँ और फिर से मैं उसके बीच में 6 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। सभी में मैं अब 5 बना था तो 4 बना रही हूँ, एक घट जाएगा। देखिए यहाँ तक मैं बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए 4 बन गया डबल क्रोशिया, यहाँ पे 6 6 6 डबल क्रोशिया। अब इसी तरह से मैं यहाँ पर 5 चेन बनाऊँगी। 10 बनाई थी पहले, उसके हाफ में 5 बना ले रही हूँ और बीच में मैं इसके सबसे बीच वाले चेन में मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से और डबल क्रोशिया 6 बार मैं यहाँ पे डिजाइन को फिर से निकाल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं 6 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। देखिए बना दी। अब मैं फिर से 5 चेन बनाऊंगी और बनाकर और देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पर मैं बनाऊंगी 6 बार डबल क्रोशिया। देखिए बना दी। देखिए 6 बार बन गया। अब मैं फिर से पीछे की तरफ 3 चेन बनाकर और एक घटाते हुए
फिर थ्री चेन लेकर और डबल क्रोशिया बनाऊंगी, दोनों साइड से एक एक घटता जाएगा। सिक्स बार डबल क्रोशिया बना ली, फिर से इस यहाँ पर भी मैं सिक्स बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। फिर से मैं फाइव चेन बनाकर और एक बनाई थी, अब उसके पहले एक और सिक्स डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ डिजाइन को, तो यहाँ पर भी मैं सिक्स डबल क्रोशिया बना रही हूँ। यहाँ पे थ्री डबल क्रोशिया थ्री बार बन जाएगा, पहले एक बना था, उसके बाद दो बनाऊंगी, इधर एक बनाऊंगी और उधर एक सिक्स बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखिए मैं बनाकर दिखा रही हूँ, फिर से इधर भी मैं बना रही हूँ इसके ठीक साइड में। दो थ्री फोर फाइव सिक्स, देखिए थ्री बन गया। यहाँ पर भी सिक्स डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ। देखिए इसी तरह से मैं इसमें भी डबल क्रोशिया सब में सिक्स बार बना ले रही हूँ और तब दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर दो बार सिक्स बार डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ, घटता जाएगा, हर बार एक एक सिक्स वाला डबल क्रोशिया घटता जाएगा। और पीछे से मैं फिर से बुनकर दिखा दे रही हूँ, अब लास्ट वाला बनाना है। तीन बार मैं डबल चेन बनाकर और यहाँ पे लॉक करके थ्री बार चेन बनाकर, और फिर से देखिए एक यहाँ पे बचा है, सिक्स बार मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ, यहाँ पे एक ही बनेगा सबसे लास्ट वाला। बुनकर मैं दिखा रही हूँ ये डिजाइन का, और उधर निकल रहा है तो वो बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बनाई मैं और फिर फाइव चेन बनाकर, और इधर मैं इसमें बढ़ाती जाऊँगी। देखिए थ्री बना है तो इधर एक पहले बना दे रही हूँ, ये जो डिजाइन निकल रहा है ये बढ़ता जाएगा, और पहले जो मैं डिजाइन निकाली थी वो घटता जाएगा। तो देखिए मैं बुनकर दिखा रही हूँ, यहाँ पे सिक्स बार बन गया। अब सभी में इस तरह से मैं सिक्स बार डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। देखिए इसी तरह से देखिए बन गया। फिर मैं फाइव चेन बनाकर और देखिए यहाँ पर मैं लास्ट में एक बनाऊंगी, एक बचा है तो यहाँ पे सिक्स डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ। देखिए पूरे में अब बुनकर इसी तरह से दिखा रही हूँ। तो देखिए अब मैं फिर से डिजाइन को निकाल कर दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर फिर से मैं 10 चेन बना ले रही हूँ, नहीं 10 नहीं 5, और फिर से मैं डिजाइन को निकालना यहाँ पे बता रही हूँ। 10 बनेगा तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा चेन, तो 5 मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और देखिए मैं फिर से इस डिजाइन को एक बार फिर से उसके नीचे निकालूंगी, तो
देखिए मैं बुन कर दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे चेन मैं बना दी, अब इसके आगे भी बुन कर मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से मैं पूरे में बुन कर दिखा रही हूँ। देखिए पूरा बुन ली, अब पीछे के साइड से मैं बुन कर दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए फाइव पूरा हो गया है, तो यहाँ पे मैं घटाऊँगी इसे। तो देखिए यहाँ पे लॉक करके, और देखिए एक मैं घटा दी यहाँ पे, और उधर से मैं डिजाइन फिर से बनाना निकालना स्टार्ट करूँगी। चेन फाइव बनाई थी जहाँ पे, वहाँ से एक एक डिजाइन को निकालूंगी। तो देखिए मैं इसमें सभी में मैं सिक्स डबल क्रोशिया बुन ले रही हूँ, और फिर यहाँ पे फाइव चेन बनाई थी वहाँ पे मैं डिजाइन को बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे एक एक दोनों तरफ घट गया है, और यहाँ पे फाइव मैं चेन बनाकर, और बीच में देखिए ये फाइव चेन बनाई थी, इसमें बीच में मैं फिर से सिक्स बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। डिजाइन को यहाँ पर मैं फिर से निकाल रही हूँ। और देखिए सभी में मैं सिक्स बार डबल क्रोशिया बुन ले रही हूँ, बना ले रही हूँ। देखिए इसी तरह से पूरे में मैं बना ली हूँ। देखिए लास्ट में एक बचा है, तो मैं चेन थ्री बनाकर, और यहाँ पे देखिए लॉक करके, और थ्री चेन मैं बना रही हूँ ऊपर, वन टू थ्री, और फिर से मैं सिक्स बार डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। ये बहुत ही इजी है तोरण गेट पर्दा, इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकती हैं, और सिंपल है ये। देखिए तोरण पर तोरण पूरा बन गया। अब मैं धागे को कट कर दे रही हूँ यहाँ पर, और धागे को पीछे की तरफ सेट कर दे रही हूँ। देखिए सेट हो गया। अब मैं झालर इसमें बना कर दिखा रही हूँ। देखिए धागे को मैं 30 बार हाथों में अपने लपेट रही हूँ कुछ इस तरह से, देखिए, और 30 बार लपेट कर, और दो बार मैं इसमें इस तरह से बांध कर गांठ लगा दूंगी, और लगा कर कैंची के मदद से इसे काट दूंगी बीच में से। देखिए काट दे रही हूँ, और एक बचा है इसे भी काट दे रही हूँ। और देखिए मैं अब सुई के मदद से इसे लगा कर दिखा रही हूँ। देखिए एक सिक्स डबल क्रोशिया बनाई थी एक बीच में गैप छोड़कर, और इसी तरह एक एक गैप छोड़ते हुए मैं सभी झालर को लगाई हूँ। तो देखिए एक छोड़ दे रही हूँ, और दूसरे वाले में मैं झालर को लगा रही हूँ। इसी तरह से मैं पूरे गेट पर्दा में झालर को लगाई हूँ। देखिए एक छोड़ कर लगाई हूँ इसी तरह। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तोरण गेट पर्दा बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।